कांग्रेस और बीजेपी में विरंगुला केंद्र पर भिड़ंत। अनिल कौशिक बोले, पर्यावरण को ध्वस्त कर निर्माण बर्दाश्त नहीं, सीनियर सिटीजन्स ने की शिफ्ट करने की मांग। नवी मुंबई वाशी के सेक्टर 17 के उद्यान में बन रहा ये वही बिरंगुला केंद्र है जिसे लेकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष अनिल कौशिक और बीजेपी पदाधिकारी संपत सेवाले में एक बार फिर ठन गई है। दरअसल स्थानीय नागरिक पर्यावरण और हरियाली का नुकसान कर बनाए जा रहे इस बिरंगुला केंद्र के खिलाफ हैं। उनकी शिकायत पर मनपा आयुक्त ने 70% बन चुके विरंगुला केंद्र का काम फिलहाल रोक दिया है। ऐसे में बीजेपी जहां इसे चालू कराने की कोशिश में है, वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष अनिल कौशिक इसे शिफ्ट करने की मांग पर अड़े हैं। उन्होंने कहा कि अगर मनपा इसे उद्यान और हरियाली का नुकसान किए बिना कहीं खाली जगह पर शिफ्ट करती है तो उसके निर्माण का सारा खर्च वे खुद उठाएंगे। उन्होंने मीडिया बोला है कि बूढ़े लोग आएंगे, सुख दुख की बात करेंगे, कैरम खेलेंगे, वो भी रिक्शा वाले के लिए बनाया था, सुख दुख की बात करेंगे, कैरम खेलेंगे, आप पत्रकार जाओ उधर, उधर दलपत पटेल ने कब्जा कर रखा है, रियल इस्टेट एजेंसी चलती है, उसका महीने का भाड़ा आता है, यहाँ पर भी ट्रस्ट बनाई हुई है, इसमें कब्जा होगा और श्री संपत सेवाले का ऑफिस होगा, यही मकसद है, पब्लिक के कुछ नहीं पड़े। अगर बांगर साहब मेरे को गार्डन के बाहर सेक्टर 17 में कहीं भी जगह दे दे, बाजू वाली बिल्डिंग एनओसी दे दे, मैं मेरे पैसे से इससे अच्छा। फिलहाल यह बिरंगुला केंद्र तैयार होने से पहले ही विवादों में घिर गया है। अनिल कौशिक ने कहा कि सीनियर सिटीजन्स के नाम पर इस बिरंगुला केंद्र का निर्माण सिर्फ दिखावा है। सच्चाई यह है कि बीजेपी के पूर्व नगर सेवक संपत सेवाले इसके बहाने उद्यान की जमीन हड़प कर वहां ऑफिस बनाने की तैयारी में है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने टैक्सी स्टैंड और मिनी मार्केट के नाम पर हुई धांधली का हवाला देते हुए कहा कि जिस नगर सेवक ने पर्यावरण को नष्ट कर इस विरंगुला केंद्र का निर्माण करवाया है उसके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए और निर्माण का सारा खर्च भी उनसे वसूला जाना चाहिए। हमारा कोई राजनीति नहीं इसके अंदर, दिल से मन से मैं इन सीनियर सिटीजन जो बैठे हैं इनके लिए यहाँ पर आया। देखिए भाजी मार्केट में आज 38 गाले 38 जिस टाइम संपत चौहान नगर सेवक बनाया वहाँ 5-6 थे, ये किसके साथ, ये कहाँ से आए, कैसे आए, ये सब भी विषय है। इसमें सिर्फ पैसा कमाना और ये भ्रष्टाचार भी है और पैसा कमाने के लिए लोगों की तकलीफ नहीं देखी। इसलिए मैं बोलता हूँ जिस नगर सेवक ने पर्यावरण को इनबैलेंस करने का काम किया है उस पर FIR दाखिल होनी चाहिए, उससे पैसे लेना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।